नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज की जी वीडियो का टॉपिक है वह है रैंकिंग। रैंकिंग दोस्तों थोड़े गवर्नमेंट एग्जाम लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस दे विच लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, इन्हों क्वेश्चन ध्यान ना समझियो। इस चैप्टर के टाइप्स बहुत ने, टाइप्स किमें ने, हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा घुमा के पाई जाऊगा, नवी नवी टाइप बनी जाऊगी, तो ध्यान ना समझियो। मैं हर एक टाइप में अपने क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। इस चैप्टर में मैं दो या तीन वीडियोस कवर करूंगा, जिन्ना भी वीडियोस कवर हो सके ध्यान ना समझना किमें किमें इस क्वेश्चन नु पाऊंगा। तो शुरू कर दे सब तो पहली टाइप। देखो दोस्तों रैंकिंग, हुण रैंकिंग होंदा की है? रैंकिंग अपनी जिवें क्लास दे विच रैंक हो गया, क्लास दे विच दसवां रैंक हो गया, बारहवां रैंक हो गया, दो चीजा चलनगियां। एक चलूगा रैंक, एक चलूगा पोजिशन। पोजीशन की होंगी है, आपां कई पोजीशन ते बैठे हाँ, अपनी सीटिंग होगी, अपनी पंद्रहवीं पोजीशन ते बैठे हाँ, चालीवीं पोजीशन ते बैठे हाँ, अपनी एक सीटिंग दे विच आ गई। जेड़ा रैंक है दोस्तों ये अपना रैंक की हो गया, क्लास दे विच अपना किन्नवा रैंक हो गया, ओदा हो गया अपना, या क्लास दे विच मतलब जा अपना गवर्नमेंट जॉब ते केड़ा रैंक है। बट पोजीशन ये चीज नहीं होंगी। पोजीशन की होंगी है, आपां सीटिंग दे विच केड़ी पोजीशन ते बैठे हाँ, लैफ्ट तो दसवीं पोजिशन से बैठे हाँ, राइट तो पंद्रहवीं पोजिशन से बैठे हाँ, यह होंगी पोजिशन। तो रैंक से पोजिशन एक सेम चीज़ नहीं होंगी, अलग अलग चीज होंगी है। आप यूज करते हैं भी दसवां रैंक भी हुई कही जाने, दसवीं पोजिशन भी हुई कही जाने, तो यह अलग होंगे, रैंक अलग होंगे, पोजिशन अलग होंगी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, सब तो पहली बेसिक टाइप तो शुरू करूंगा मैं। देखो एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं जिस दे विच सब तो पहली टाइप कवर होगी। एग्जाम्पल लैके चलते हैं, मान लो अपने कोले टोटल पांच बंदे ने, टोटल छे बंदे ने, अपने कोले टोटल ने छे बंदे, अपने कोले टोटल छे बंदे ने, लेफ्ट तो ए बैठा हुए, आ अपने कोले केड़ा हैंड होंदा लेफ्ट हैंड, आह अपने कोले केड़ा हैंड होंदा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। लेफ्ट तो ए दी पोजीशन देखो केड़ी है, लेफ्ट तो पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, लेफ्ट तो ए दी पोजीशन केड़ी है दूसरी, राइट तो ए दी पोजीशन केड़ी है देखो अपने कोले टोटल छे बंदे ने, अपने कोले टोटल छे बंदे ने, राइट तो ए दी पोजीशन देख लिया, पहली दूजी तीजी चौथी पंजवी, राइट तो ए दी पोजीशन केड़ी है पंजवी। देखो दोस्तों अपने कोले टोटल छे बंदे सी, एक दो तीन चार पांच छे, अपने कोले टोटल छे बंदे सी, लेफ्ट तो ए दी पोजीशन ए अपने किते भी बिठा लिया, लेफ्ट तो ए दी पोजीशन केड़ी है दूसरी, राइट तो ए दी पोजीशन केड़ी है पहली दूसरी तीसरी चौथी पंजवी, राइट तो ए दी पोजीशन केड़ी है पंजवी। तो हुण देखो इत्थों एक फॉर्मूला बनदा है याद रखना, एल पी का मतलब लेफ्ट पोजीशन लेके चलूंगा, आर पी का मतलब राइट पोजीशन लेके चलूंगा, लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन। तो देखो दोस्तों ए दी लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन, जे मैं दोहां दा जोड़ करदा, दोहां दा जोड़ करदा दोस्तों किन्ना बनदा, दो दो ते पंज दा जोड़ किन्ना बनदा सत्त, टोटल बंदे है किन्ने ने अपने कोले छे, तो इक्वल टू टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन, देखो छे प्लस एक करूंगा सत्त बन जूगा, तो जिहड़ा अपना फॉर्मूला वो ए बनदा, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल प्लस वन। हुण देखो दिमाग च सवाल आऊगा भी बंदे अपने कोले छे ने, जोड़ सत्त किवें बन गया, जोड़ सत्त किवें बन गया, ए नूं मैंने दो बारी काउंट किया, ए नूं मैंने इधरों भी गिनिया, ए नूं मैंने इधरों भी गिनिया, जो आप किसी बंदे नूं दो बारी गिन लांगे तो टोटल च एक बंदा की हो जाऊगा इनक्रीज हो जाऊगा। तो यही अपना फॉर्मूला है, जो मैंने किसी बंदे नूं लेफ्ट तो भी गिनिया राइट तो भी गिनिया तो टोटल च एक बंदा की हो जाऊगा इनक्रीज हो जाऊगा, टोटल च एक बंदा की कर देना है इनक्रीज। यही फॉर्मूला लगाना है, कई बच्चे की करते हैं कितने प्लस वन करना है कितने माइनस वन करना है, अगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ आ फॉर्मूला लगाई चलिए थोड़ा आंसर नहीं गलत होगा। लेफ्ट पोजिशन प्लस राइट पोजिशन इक्वल टू टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन, वन प्लस क्यों हो गया द्वार तो दस रहे, वन प्लस क्यों हो गया, ए नूं आपां ने लेफ्ट तो भी गिनिया राइट तो भी गिनिया, ए नूं दो बारी गिनिया, जदों किसी बंदे नूं दो बारी गिनांगे तां बंदा की हो जाऊगा इनक्रीज हो जाऊगा, तां टोटल च इक बंदा की हो गया इनक्रीज हो गया, जदों एक बंदे नूं आपां दो बारी गिन लिया तां टोटल च इक बंदा की हो गया इनक्रीज हो गया। तां देखो इधर भी जोड़ सत्त आ रहा सी, इधर भी जोड़ किन्ना आ गया सत्त, तां आ फॉर्मूला याद रखियो, ये फॉर्मूला ही लगूगा। देखो शुरू करदे हां एग्जाम्पल लैके,
क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन जो आप लीए पहला क्वेश्चन है देखो इन अ रो शाम इज 15th फ्रॉम बिगनिंग एंड 30th फ्रॉम एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। किसे रो दे विच शाम बैठा है जिदी 15वीं पोजीशन है बिगनिंग तो ते 13वीं पोजीशन है एंड तो। ता देखो दोस्तों जरूरी नहीं है लेफ्ट तो राइट तो क्या होगा बिगनिंग एंड तो क्या था या की कह दूंगा टॉप तो बॉटम तो। ता हुण जिवें बिगनिंग तो शाम दी 15वीं पोजीशन है तैनूं लेफ्ट पोजीशन ले लो 15वीं लेफ्ट तो इहदी किन्नी पोजीशन होगी 15वीं 13वीं एंड तो है ता राइट पोजीशन केड़ी होगी 13वीं। फाइंड की करना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन ता आपां ने हुणी फार्मूला पढ़िया लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन इक्वल टू टोटल प्लस 1 यही फार्मूला पढ़िया। देखो दोस्तों लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन इक्वल टू टोटल प्लस 1 15 ते 13 दा जोड़ 28 इक्वल टू टोटल प्लस 1 1 इधर आके माइनस हो गया टोटल दी वैल्यू कितनी आ गई 27 टोटल दी वैल्यू कितनी आ गई 27। ता देखो दोस्तों यही फार्मूला यूज करना है नहीं तो कंफ्यूज हो ही जाओगे किथे प्लस 1 करना है किथे माइनस 1 सिंपल तुम्हें फार्मूला दसता बस ये फॉर्मूला यूज करी चलियो। तो नेक्स्ट चल दिया सेकंड क्वेश्चन ऐसे अपने को पहला क्वेश्चन ध्यान समझियो हर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आऊगा बट थोड़ा या कंफ्यूज करी जाऊगा जी। मैं आपको क्वेश्चन लिए इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 11th फ्रॉम both ends find total number of girls। ta dekho dosto aa question hai in a row of girls priya is 11th from both ends 11th from both ends matlab dono konnya to 11th position te hai dono konnya to 11th position te hai matlab left position bhi 11th hogi right position bhi kitni hogi 11th hogi। ता टोटल गर्ल्स कटनिया ने की फार्मूला लगा देंगे लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन इक्वल टू टोटल प्लस 1 बाई इक्वल टू टोटल प्लस 1 1 इधर के माइनस हो जाएगा टोटल बंदे कितने आ गए 21। ता दोस्तों टोटल बंदे कितने आ गए 21। ऐसे अपना सेकंड क्वेश्चन सेम वही फार्मूला लगाना कुछ नहीं करना आंसर सही आऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आयशा स्टैंड्स 21st in the class of 51 students what is her position from end last ko di position puchhi hai dekho aisha stand 21st in the class of 51 students aisha 21vi sthan te khadi hai 51 स्टूडेंट्स हो मतलब अपन टोटल बंदे देते 51 टोटल बंदे देते 51 हुन 21वें ते खड़ी है एक पोजीशन मान के चल को लेफ्ट मान लो मैंने इन्हें लेफ्ट कर लिया तो अपन एंड तो कटनी है मतलब राइट पोजीशन कटनी है राइट पोजीशन अपन मान ली x तो वही फार्मूला 21 प्लस x इक्वल टू टोटल प्लस 1 फार्मूला वही याद रखना कुछ नहीं करना 21 प्लस x इक्वल टू 52 ता x की वैल्यू कितनी होगी 52 से 21 घटा देंगे अपन 31 कितना आंसर आ गया दोस्तों 31। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਪਲੱਸ 1 ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ ਪੇਪਰ ਚ ਬਸ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नेक्स्ट चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। काफी बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन दे रहा तुम्हें करने को एक क्वेश्चन करके वीडियो के नीचे कमेंट करियो राम इज 7th फ्रॉम टॉप एंड
एंड 28 फ्रॉम बॉटम, फाइव टोटल स्टूडेंट। तो दोस्तों रामी 7 फ्रॉम टॉप एंड 28 फ्रॉम बॉटम, फाइव टोटल स्टूडेंट। एक क्वेश्चन तुसी सॉल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट करके दसना कितना आंसर आया, एक क्वेश्चन करके दसियो कितना आंसर आऊगा। हुन चलते आपां नेक्स्ट कांसेप्ट दी तरफ। नेक्स्ट देखो पंजवा क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन नीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, इफ शी मूव फोर्थ पोजीशन इन अ राइट then she will become 8th from right, find total students। देखो दोस्तों पहली डायरेक्ट बेसिक सी, हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन नीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, नीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। एक क्वेश्चंस कीमें करने होंगे ने, सब तो पहला डायग्राम बना लीजिए। देखो कीमें नीता की पोजीशन लेफ्ट तो 15वीं है, उड़े नीता बैठी है, इसकी पोजीशन कितनी है 15वीं। अपना लेफ्ट हैंड है, इधर किते राइट हैंड है, लेफ्ट तो अपा चले नीता की पोजीशन केड़ी है 15वीं, लेफ्ट तो चले नीता की पोजीशन केड़ी है 15वीं। इफ शी मूव फोर्थ पोजीशन इन अ राइट, जे वो चार पोजीशन मूव कर जे राइट करनी है, हुन जे राइट करनी नु मूव कर दे 1 2 3 4। देखो राइट कली नू चार मूव कर दी, देखो नीता इधरों आप इधरों गिनते आ रहे हैं, इधरों गिनते आ रहे हैं, तो नीता की पोजीशन अगे नू की हो चुकी ऐड हो चुकी। नीता की पोजीशन उड़े जो 15वीं सी तो उड़े कि होगी 16वीं होगी, क्योंकि अगे नू जा रही है 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं, उड़े नीता की पोजीशन कि होगी 19वीं। 15 तो नीता जो चार पोजीशन अगे चली जाए नीता की पोजीशन किनवीं हो जूगी 19वीं। She will become 8th from right. तो नीता राइट तो केड़ी पोजीशन ते होगी, आह अपना राइट हैंड है, राइट हैंड तो केड़ी पोजीशन ते होगी, देखो 8वीं पोजीशन ते होगी, राइट तो केड़ी पोजीशन ते होगी 8वीं ते होगी, राइट तो 8वीं पोजीशन ते होगी। हुन देखो नीता लेफ्ट तो केड़ी पोजीशन ते है 15वीं, नीता राइट तो सॉरी 19वीं, नीता लेफ्ट तो केड़ी पोजीशन ते है 19वीं, नीता राइट तो केड़ी पोजीशन ते है 8वीं। तो फॉर्मूला लगा देंगे लेफ्ट 19वीं, राइट पोजीशन अपने को 8वीं, तो फॉर्मूला लगा दो 19 प्लस 8 इक्वल टू टोटल प्लस 1, 19 ते 8 कितना हो गया 27 इक्वल टू टोटल प्लस 1, 1 इधर के माइनस हो जाएगा टोटल बंदे कितने आ गए 26। फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला नहीं चेंज करना, तो अपने को टोटल बंदे कितने आ गए 26। तो आप डायग्राम बनाई, देखो की कीता नीता की पहला 15वीं सी, चार अगे नु मूव कर गए, चार राइट नु मूव कर गए, अपना देखो राइट इधरले पासे ही हुंदा, राइट इधरले पासे ही हुंदा, पहला राइट दूजा राइट तीजा राइट चौथा राइट, चार राइट मूव कर गई, ता केड़ी पोजीशन ते आ गई 19वीं ते आ गई। नीता दी पोजीशन लेफ्ट तो केड़ी होगी, देखो गिनता आपां लेफ्ट तो ही रहा ना, जा ता आपां लेफ्ट तो ही रहा, ता लेफ्ट तो 19वीं होगी, राइट तो केड़ी आउंदी 8वीं, 19वीं ते 8वीं, लेफ्ट तो भी पता लग गई राइट तो भी पता लग गई। अगे सिंपल की कर देना फॉर्मूला लगूगा लास्ट ते जाके, ओही फॉर्मूला बेसिक, बस क्वेश्चन नु बनाना किवें है, लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन बनानी किवें है मेन थोड़ा मोटिव है। तो आपां ने की कीता लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन पता लगी, लास्ट की लाता फॉर्मूला लगाता, ए सी अपना 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन, एज पोजीशन इन अ क्लास इज 5 फ्रॉम द लेफ्ट, बीज पोजीशन इज 8 फ्रॉम द राइट, इफ 4 पर्सन sit between them
फाइंड टोटल स्टूडेंट, ऑप्शन है 16, 18, 17, 19। आपने कोई ऑप्शन है 16, 17, 18, 19 ता ए दी पोजीशन पंजवी है लेफ्ट तो, ता दोस्तों ही का डायग्राम बना रही है, ए दी पोजीशन लेफ्ट तो केड़ी है पंजवी, बी दी पोजीशन राइट तो केड़ी है, बी दी पोजीशन राइट तो केड़ी है अठवीं। इफ फोर पर्सन सिट बिटवीन देम, जे चार बंदे ना दोहां दे विच आले बैठे, जे चार बंदे ना दोहां दे विच आले बैठे, फाइंड टोटल स्टूडेंट, टोटल बंदे पता करने हैं। हुण दोस्तों इहनूं करन दे देखो दो तरीके ने, सब तो पहला तो जे आपां फॉर्मूला लगाना तां किवें लगाना, हुण जे ए दी पोजीशन उरे पंजवी सी तां छेवीं सतवीं अठवीं नौवीं उरे दसवीं हो जूगी। देखो जे उरे पंजवीं सी तां जे मैं अगे नूं जावां उरे छेवीं हो, उरे सतवीं हो, उरे अठवीं हो, उरे नौवीं हो, उरे की हो जूगी दसवीं, ता मतलब पूरे पोजीशन लेफ्ट तो दसवीं है, राइट तो केड़ी अठवीं, फॉर्मूला लगा देंगे 10 + 8 = total + 1, 18 = total + 1, टोटल बंदे कितने आ गए दोस्तों 17, टोटल बंदे कितने आ गए 17। जा फिर की करना है सीधा ऐड जे करना है, देखो पूरे तक अपने वाले कितने बंदे हो गए 5, पूरे तक 5 बंदे हो गए, पूरे कितने बंदे हो गए 4, पूरे पूरे तक कितने बंदे हो गए 8। हुण ध्यान नाल देखो कोई बंदा आपां दुबारा ऐड नहीं कीता, 5 बंदे आ सी चक दे, 4 बंदे आ सी ए अलग कटते, 8 बंदे आ सी ए अलग कटते, कोई बंदा दुबारा तां नहीं जिहड़ा ऐड कीता, जदों कोई बंदा दुबारा ना ऐड करिए फिर सिंपल इन्हां नूं जोड़ कर देना, 5 + 9 = 9, 9 + 8 किन्ना हो गया 17, 17 आंसर आ गया। इधर भी अपना किन्ना सी 17, इधर भी किन्ना आजूगा 17। हुण इधर ना प्लस 1 करना है ना माइनस 1, क्योंकि आपां किसे बंदे नूं दो वारी नहीं गिणिया, दो बारी नहीं गिना, ता है जा ता दोस्तों आप फॉर्मूला बना लो, आप फॉर्मूला बना ली अपन एक थां ते दोनों पोजीशन चंगीआं होणगीआं, एक थां ते दोनों पोजीशन, एक थां ते दोनों पोजीशन बनानीआं होणगीआं, फिर जोड़ करांगे, जे आ चीज नहीं करनी सीधा ऐड कर सकदे आप, सीधा ऐड करो, ता दोस्तों कंफ्यूज ना होई चलियो भी किते ऐड कर रहे हैं किते नहीं, कुछ नहीं, जे ता किसे थां ते दो किसे थां किसे बंदे नूं आपां दो वारी ऐड कर रहे होईए, किसे बंदे नूं आपां दो वारी ऐड कर रहे होईए, फिर प्लस 1 माइनस 1 वाला कांसेप्ट लगूगा, जे आपां कोई बंदा रिपीट नहीं हो रहा, हर एक बंदे नूं एक एक वारी गिन रहे हां, फिर आपां कोई प्लस 1 माइनस 1 नहीं करना, जिवें उरे हर एक बंदा 5 बंदे ए हो गए, 4 बंदे ए हो गए, 8 बंदे ए हो गए, सारे बंदे एक एक वार आ रहे ने, कोई बंदा ओवरलैप नहीं कर रहा, किसे बंदे नूं आपां दो वारी नहीं काउंट कर रहे, तां सीधा जोड़ करके अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा, सीधा जोड़ करके क्या आ जाएगा आंसर। हुण जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो दोस्तों हमने क्वेश्चन नु ध्यान से समझियो, 8th क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 35 स्टूडेंट्स M is 15th from right। थोनू मैं बारी बारी कह रहा हूं, चैप्टर कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पाई जाऊगा, देखने में ऐसे लगेंगे सेम क्वेश्चन ने, ऑप्शंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी ऑप्शंस की मेरी यानी देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन M एंड N, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ N from right end, ऑप्शन है दोस्तों 15, 30, 5, डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनएडिक्वेट। हुण देखो दोस्तों इन आर ऑफ 35 स्टूडेंट, अपने कोले 35 बंदे ने, M is 15 from right, M दी पोजीशन केड़ी देती 15वीं देती राइट, M दी पोजीशन राइट तो केड़ी देती 15वीं देती, there are 10 students between m and n, ਕਹਿੰਦਾ m ਤੇ n ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, m ਤੇ n ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਰੇ n ਬਿਠਾ ਲਾਂ, ਤਾਂ n ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ n ਬਿਠਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ n ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸ 'ਚ n ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਊਗੀ, ਦੋਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸ 'ਚ n ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਡਾਟਾ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ,
अपने कोले जी ऑप्शन डाटा इनएडिक्वेट ना होंगी। फिर आपां दोनों सोल्व करके देख दे, दोनों सोल्व करके देख दे, जेडी ऑप्शन मिल जाती वो आंसर लगा देंगे। हुण अपने कोले ऑप्शन की पई है दोस्तों डाटा इनएडिक्वेट, दस बंदे विचाले इधर भी आ सकते हैं, दस बंदे विचाले इधर भी आ सकते हैं, आपां पता नहीं कर सकते तां की आंसर लगावांगे डाटा इनएडिक्वेट। दस बंदे आपां इधर भी विचाले बिठा के नूरे लेके आ सकते हैं, दस बंदे इधर भी विचाले बिठा के नूरे लेके आ सकते हैं, तो इन्हें पोजिशन पता नहीं कर सकते तो की आंसर आऊगा डाटा इनएडिक्वेट। ये अपना 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज जे आर रैंक्स फोर्थ इन क्लास, जे आर रैंक्स फोर्थ इन गर्ल्स एंड 18th इन क्लास। What is Jaya ranks among boys? तो दोस्तों ये अपना next answer। In a class of 10 girls and 20 boys, 10 कुड़ियां ने 20 बॉय ने, मतलब टोटल बंदे कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 30 स्टूडेंट हो गए, जिसमें 10 कुड़ियां ने 20 बॉय ने। Jaya rank fourth in girls, Jaya का rank कुड़ियां जो चौथा है, देखो Jaya का rank कुड़ियां चो चौथा है, मतलब ये नालो किनिया कुड़ियां अग्गे हो गईयां, ये नालो तीन कुड़ियां अग्गे होनगियां, तां ही जया दा रैंक कुड़ियां चो किनवा होगा, चौथा रैंक होगा, जया तो अग्गे किनियां कुड़ियां होनगियां, तीन कुड़ियां होनगियां। 18th इन क्लास, क्लास चो जया दा रैंक किनवा है 18वां, देखो जया दा रैंक क्लास चो किनवा है 18वां, मतलब जया नालो किन्ने जाने अग्गे होणगे, जया नालो किन्ने जाने अग्गे होणगे 17, देखो जया का रैंक 18वां है तो जया नालो किन्ने जाने अगे हो गए 17। हुण जया नालो किन्नियां कुड़ियां अगे ने, जया नालो तीन कुड़ियां अगे ने, टोटल 17 जने अगे ने, 17 चो तीन कुड़ियां ने, तो जया नालो किन्ने बॉयज अगे हो गए 14 बॉयज अगे हो गए, 17 चो तीन माइनस किया जया नालो किन्ने बॉयज अगे हो गए। देखो दोस्तों ध्यान नाल समझो, जया का रैंक क्लास चो 18वां है, क्लास चो 18वां है मतलब ये नालो किन्ने स्टूडेंट अगे हो गए 17, जया का रैंक कुड़ियां चो चौथा है, ये नालो किन्नियां कुड़ियां अगे हो गईयां 3, हुण 17 जने अगे ने, जिचो 3 कुड़ियां ने, तां किन्ने बॉय अगे होणगे 14 बॉय, तां बॉय चो किन्नवां रैंक आजूगा, देखो 14 बॉय अगे ने, तां बॉय चो जया का रैंक किन्नवां आजूगा दोस्तों 15वां, बॉयज चो किन्नवां रैंक आजूगा 15वां, क्योंकि 14 बॉयज अगे ने, 14 बॉयज अगे ने, तां जया किन्ने स्थान ते आ गई 15वें स्थान ते आ गई, जया किन्ने स्थान ते आ गई 15वें स्थान ते। तां इह क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझणा सी दोस्तो, इह सी अपना 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अज दी वीडियो दा। महेश इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश इज 20th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रमेश एंड महेश। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से समझियो, टोटल स्टूडेंट अपने कोले किन्ने ने, 30 स्टूडेंट ने, महेश इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, महेश दी लेफ्ट तो 14वीं पोजीशन है, तो देखो महेश दी लेफ्ट तो किन्नी पोजीशन है दोस्तों 14वीं, महेश दी लेफ्ट तो किन्नी पोजीशन है 14वीं। हुण अपने कोले देखो दोस्तों 30 बंदे ने, टोटल 30 बंदे ने, महेश दी लेफ्ट तो 14वीं है, तो इधर किन्ने बंदे बच गए, इधर अपने कोले 16 बंदे बच गए, क्योंकि 16 बंदे इधर हो गए, 14 बंदे उधर तक हो गए, 16 ते 14 30 बंदे हो गए, इधर अपने कोले 16 बंदे बच गए।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿੰਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿੰਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿੰਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ 16 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, 17ਵਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੇਸ਼, 18 19 20 ਪੂਰੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 16 ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ, 16 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸੀ, 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ 19ਵਾਂ ਬੀਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 20 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ 20 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 16, ਤਾਂ 16 ਬੰਦੇ ਆ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ 19ਵਾਂ ਬੀਮਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, 2 persons। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਓ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਈਅਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੈਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ 1, ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ 1, ਲੈਫਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਪਲੱਸ 1, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।